आप सभी को राम राम। हमारे चैनल ए टू जेड एक्सप्लोर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम गए हैं बंजारा मार्केट और वहीं की मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। अब ये कुछ इनके पास एक जैसे पेंसिल वगैरह रखते हैं इस तरीके का था, या अपनी कोई फ्लावर वगैरह इसके अंदर रख लो, लेकिन इसकी ना क्वालिटी पास से देखते तो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कैमरे में आती है। जो ये वाइट वाला लैम्प है जिस छोटा सा, ये उन्होंने इसका रेट 1500 रुपये बोला था, जो इसकी कॉस्ट नहीं है। हाँ 200-300 रुपये की है, बार्गिंग करो तो, सॉरी 1500 का नहीं, 700 रुपये का। और ये वाला जो उन्होंने बोला था 1100 कुछ का, तो आप अपने हिसाब से बार्गिंग कर सकते हो। रेट ये बहुत हाई बोलते अपनी मर्ज़ी से, बहुत ज़्यादा। चेयर काफ़ी अच्छी थी, ये ऐसे लैंप थे, काफ़ी सुंदर लगते हैं अगर कहीं लगाए तो। इनमें लाइट वाइट जलती है, फ्लावर पॉट थे। ये टूटा हुआ नहीं है, अगर ये नीचे गया ये वैसे ही था जैसे नीचे, मतलब उसका लॉक नहीं किया हुआ था। जैसे यहाँ पे ये मग रखे हुए हैं, कॉफ़ी मग, ये 100 रुपये का एक बोल रहे थे और मैंने इनको 100 रुपये का दो लिया है। हांडी थी यहाँ पे जो 3 का सेट है, 800-900 रुपये का प्राइस ये बोलते हैं। हमने 3 हांडी 400 में ली है, कोई इससे भी कम करा लेता है। ये सोफे वाले जो पिलो होते हैं ये भी बहुत सुंदर थे, मतलब कि काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह की चीज़ें। डोरमेट थे, पायदान जिन्हें बोलते हैं आप, अलग अलग तरीके के। रेट काफ़ी हाई बोल लेते हैं इन्होंने, इसलिए मैं रेट मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि इतना हाई सुनकर बार्गिंग, मतलब लेना ही नहीं था तो बार्गिंग क्या करना। लैम्प इस तरह की, मतलब डेकोरेट आइटम बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। प्लांट रखने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैंड थे, जैसे वो ब्लैक वाला स्टैंड है, इन भैया ने 2500 कुछ का बोला था, लेकिन जो लड़की थी बार्गिंग करी थी वो 850 पे थी, और ये लास्ट तक 1050 तक देने के लिए तैयार हो गए थे, फिर भी शायद उसने नहीं लिया, क्योंकि मैं बाद में भी आई तब भी वो यहीं था। फिर से आपके यहाँ पे मतलब कि ना ये पिलो कवर डिज़ाइनर बहुत अच्छे थे, या पिलो भी बहुत अच्छे थे, डोरमेट बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिन्हें आप बिछोना बोलते हैं, पायदान वगैरह घरों में जो रखते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर थे, डिज़ाइनर थे, राउंड में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके के थे। ये इस तरीके के मिरर थे, जाली सी बुनी हुई थी उसके अंदर ये मिरर लगे हुए थे। और ये डेकोरेट आइटम थे जो फीचर्स जो बने होते हैं उनके, बुद्धा, गणेश जी, पीछे मिरर है सूर्य के उस आकार में, ये मुड्ढे टाइप थे, ये भी बहुत अच्छे थे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी, ये जो बैम्बू से बनी हुई थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी। इसमें जो स्टार्टिंग थी वो 50 रुपये से थी, वैसे इन्होंने 70 रुपये बोला था ये छोटा सा जो डब्बा रखा है, लेकिन ये 50 में देने के लिए तैयार था। इस तरीके के लैंप वगैरह थे, अगर आप अपने किचन में लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, आपने अगर अपने घर में छोटा मोटा बाग वगैरह बना रखा है, पौधे वौधे लगाकर गार्डन बना रखा है, तो आप उसके अंदर भी इनको रख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। टोकरियाँ थी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी रखने के लिए, और बैम्बू से बनी हुई थी, एक तरीके से कहे कि ये ऑर्गेनिक थी, हार्मफुल नहीं थी, पर इनको थोड़ा बचा के रखना होता, अगर ये पानी वानी में भीग जाए तो फूल जाती है या ब्लैक पड़ जाती है, तो उस चीज़ से बचा के रखना होता है। ये लालटन बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे लालटन। ये डिब्बा जो था ये हाथ में, ये थोड़ा सा छोटा था, अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो रोटियां रखने के काम आ जाता है। तो ऐसे बात करते करते हमने बोला कि रोटियां तो नहीं आएगी लेकिन इसके अंदर सांप आ जाएगा, तो उस भैया से फिर पूछा ना कि इसके अंदर क्या रख सकते हैं, तो सीधे ही बोला बातें सुन के कि सांप रख लो इसके अंदर। तो ये भी एक मजाक का बातें थी, कोई ऐसा सीरियस नहीं था वहाँ पर। एक बैम्बू टाइप था, आप इसमें अपनी पेंसिल वेंसिल रख सकते हैं, मतलब पूरा सा अच्छा था, मतलब देखने में, मतलब डेकोरेट के लिए तो आप रख ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ। ये की चैन था जहाँ पे आप अपनी की लगाते हैं, ये काफ़ी मज़बूत था, ये देखने में भी मज़बूत था और छू के पता करने में भी मज़बूत था, ये काफ़ी अच्छा था। ये शायद इसने समथिंग 250 का बोला था। देखो ये वाली लालटन मैं आपको बता रही थी, बहुत सुंदर थी, अगर ये आप अपने घर में सजाने वगैरह के लिए रखो, डेकोरेट के लिए रखो। ये हमारी जनता पार्टी है, मतलब मेरी दी हैं जो हम सारे घूमने गए थे वहाँ पे, इस तरीके के प्लांट्स भी मिलते हैं, अगर आपको पसंद है आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और बहुत से लोग ख़रीदते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ख़रीदते, बहुत अच्छे अच्छे थे।
रास्ते में नाले का पानी निकला हुआ था, फिर से वही बाउल हांडी वगैरह, मतलब डेकोरेट आइटम भी है, अपना किचन यूज़ करने के लिए भी बहुत कुछ है, प्लेट वगैरह बहुत सुंदर है, बहुत से लोग यहाँ से बहुत कुछ खरीद के लेके जाते हैं। कढ़ाई वगैरह थी, बड़े बड़े बाउल थे, सेट में थे। फिर ये आगे आपके फ्लावर पॉट आ गए हैं, काफ़ी सुंदर थे। देखो देखो कैमरे में देखने में थोड़ा शाइनिंग आ जाता है, लेकिन रियल में देखने में थोड़ा सा होता है हल्का सा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। ये फिर से इनके सोफे टाइप सी सेट्स आ गए हैं, और ये छोटे वाले फ्लावर पॉट थे जो 100 150 200 इस टाइप से थे। ये भी फीचर्स हैं जो मेटल के हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये भी रेंज मैंने पता नहीं किया क्योंकि मुझे ख़रीदना नहीं था, वैसे भी रेंज बहुत हाई बोलते हैं, बार्गिंग खुद करानी पड़ती है। तो आप आओ सारी मार्केट में घूमो, आपको जो पसंद आए उसकी बार्गिंग कराओ। हाँ, ये जो नीचे जो लेडी और जेंट्स का सेट है, वो जो 2 का सेट था उन्होंने 1100 रुपये बोला, और 4 लेंगे तो हम 1800 कर देंगे, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा। ये बुद्धास वगैरह थे, थोड़े कॉस्टली थे, बट आप बार्गिंग करा के ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा 5-6 बजे, मतलब जब ये मार्केट लगती है, और ये मार्केट लगती है तकरीबन 5 बजे से, तो आप उस टाइम बार्गिंग करा सकते हैं क्योंकि इनकी बोनी नहीं हुई रहती है। ये बड़े बुद्धास थे जिनसे पानी निकलता रहता है, चलता रहता है। फिर ये मिरर थे, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत सी वीडियो में देखा होगा, कैमरे में आपको सबको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना ये दिखाई देता है, पर फिर भी हमारी आँखों को ये भा जाता है, बहुत सुंदर लगता है। ये ना हाथी की सूंड, और सूंड पे ढेर सारे हाथी बैठे हुए हैं, ढेर सारे हमारे दई देवताएँ बैठे हुए हैं, एलिफेंट वगैरह इस तरीके से, बुद्धास वगैरह। देखो पूरा एक हाथी बनाया और ढेर सारी उसमें पिक्चर्स बना दी हैं। ये लैम्प है, ये बहुत सुंदर है, मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट में देखा इस टाइप के लैम्प, बहुत अच्छे लगते हैं लगाए हुए। तो ये अपने कहीं टेरेस वगैरह पे लगा दो, वहाँ पे बहुत सुंदर लगते हैं। ये बर्नी वगैरह है, जार जिसे हम बोलते हैं, अचार वाला हांडी वगैरह है। इस तरीके से फिर से ये स्टार्ट हो गए हैं। ये आपके हैंड वॉश वगैरह डालने की बोतल है जो काफ़ी महंगी देते हैं, 400 वगैरह की, लेकिन हाँ 100 120 150 तक आप ले सकते हैं, काफ़ी रेंज ठीक है, लेकिन 400 वगैरह की या 500 इस तरीके की नहीं थी, थोड़ा कमी थी। ये छोटी छोटी चटनी वाली बाउल्स थी, ये ट्रे थी जिसमें आप अपने स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं। ये जो कप थे, ये इन वाली कप की बात कर रही हूँ जिनमें ये लाइनें से लगी हुई है, मग वाले, कॉफ़ी मग, ये मैंने 100 के 2 लिए थे। और ये अंकल जी अपना थोड़ा कुछ खा रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। ये स्टूल थे जिसने उन्होंने हमें 800 रुपये के 2 बोले थे, समथिंग पता नहीं 1100 बोला, ऐसे बोला था। ये चेयर वगैरह थी, मतलब ये काफ़ी अच्छी है लोन वगैरह में रखने के लिए, ऊपर टेरेस पे रखने के लिए बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कुछ वॉच, वो दीवार घड़ियाँ थी, और ये मतलब पुराने टाइप से देखते हुए अगर कोई, जिनको इनका शौक है रखने का, वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है मजबूत नहीं है, मजबूत भी है। ये जो मिरर आप देख रहे हैं सामने, ये इनका रेट मैंने पूछा, देखने में बहुत सुंदर था, काफ़ी बड़ा था, तो भैया ने 6500 बोला। फिर मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा है, तो कह रहा अगर आप लोगे तो बार्गिंग कर देंगे, तो बार्गिंग कर देंगे। मैं बार्गिंग नहीं कराना चाहती थी क्योंकि मुझे लेना ही नहीं था, तो टाइम वेस्ट नहीं करना था, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी। ये साइड टेबल है जिस पे आप अपना डेकोरेट का कोई भी फ्लावर पॉट वगैरह इस पे रख सकते हैं। फोल्डिंग चेयर थी यहाँ पे, जिसे आप स्पेस नहीं हो तो फोल्ड कर दो। ये हट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें आप इस तरीके से, लैंप थे जिनमें डॉट थी, पोल का डॉट, किसी में स्टार थे। ये छोटे वाले लैंप भी बहुत सुंदर लग रहे थे। देखो ये एलिफेंट है, उसके ऊपर ढेर सारे फीचर्स बना रखे हैं इस तरीके से, और ऐसा नहीं था हल्के फुल्के हैं, पत्थर के बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और हर एक चीज़ यहाँ पे सुंदर थी, देखने में भी, ख़रीदने में भी। ये बुद्धा जी है जो स्लीपिंग मोड में है, ये वही हट है जिस पे आप अपने प्लांट रख सकते हैं। ये भी एक सीढ़ी नुमा आकार था, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, और फिनिशिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी थी, आसानी था नहीं थी। पीछे ये मिरर थे, वही इन्होंने रेट जो बोला 3500 के करीब। मुझे ये सेट काफ़ी अच्छा लगा चेयर का, जो ये एकदम नोक से टाइप में है, बहुत अच्छा था ये। इसके साथ ये 2 चेयर थी और टेबल था। मिरर छोटे बड़े काफ़ी अलग अलग रेट में थे, मैं इसको इसलिए दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था। फिर से ये वही फ्लावर पॉट हैं जो 150 200 ऐसे इन्होंने कॉस्ट बताई थी।
इस तरीके के, और बहुत सुंदर लगते हैं। आप जितने लेना चाहो उतने ले सकते हैं। ये देखो आगे फिर ये पिक्स वगैरह की टाइप के से हैं इनमें डिज़ाइन। ये मैंने पूछा था रेट इसलिए हाथ में लेके, हैवी भी था अच्छा था, मतलब मजबूत था, ऐसा नहीं था यूं ही था। तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे लेने में। और फिर ये फिर से वही लैम्प वगैरह हैं हार्ट में, स्क्वायर में। देखो ये वाले कप मग मैं जो कह रही थी भैया ने हाथ में ले रखे हैं, इनमें से मैंने लिया था एक पिंक में और एक ब्लू कलर में, बहुत सुंदर लग रहे थे। 2 कप मैंने लिए थे यहीं से ही, मतलब आगे एक अंकल जी बैठे हैं वहाँ से हमने 3 पेयर हांडी कप लिया था, जो आप आगे देखेंगे। यहाँ पे बार्गिंग हो रही है, कुछ हमारी बातें चल रही है। आप देना नहीं चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते हैं, आप सही से लगा लो। तो उन्होंने बोला था कि 150 के 2 देंगे, मैंने कहा कि नहीं मैं 100 के 2 लूँगी। वो 100 का 1 बोला था पहले, फिर उन्होंने 150 के 2 बोले और मैंने 100 के 2 लिए। फिर हमने ये वाली मटकियाँ ली थी जो दही वगैरह जमाने के काम आती हैं, और इन्होंने 800 900 समथिंग बोला था और हमने ये 400 की 3 ली थी। ये बाउल देने के लिए भी तैयार थे। आगे हम फिर से और हांडी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ही पेयर था। फिर हमारा मन बदल गया क्योंकि सभी है ना बार्गिंग कर तोड़ना नहीं चाहते, 500 में देंगे, 600 में देंगे। फिर वो मन सा हट जाता है कि अगर हमने 4 में लिया तो हम 4 में ही लेंगे इस तरीके से। और ये मेरे को बहुत सुंदर लगी थी, ये प्लेटर्स वगैरह, इसमें सॉस वगैरह डाल लो आप, अपना सैंडविच वगैरह रख लो, पास्ता रख लो, ये काफ़ी सुंदर थी। ये मैंने आंटी से पूछा था, एक डमरू टाइप सा, मुझे नाम नहीं पता इसका। ये आंटी ने 2500 रुपये इसकी कॉस्ट बताई थी, तो मुझे काफ़ी महंगा लगा। ये फिर से वही लैम्प वगैरह है, मिरर वगैरह है, ये मुड्ढे वगैरह हैं, हमारे तो यहाँ इनको मुड्ढे ही बोलते हैं। ये आंटियाँ हैं जो फिर से अपना सामान बेच रही हैं, और ये भी चाहती हैं कि ना कस्टमर आए हमसे ख़रीदे हम उनको दें, क्योंकि ये भी बेचारे इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं। कुछ तो बोल रहे थे कि बिकने के लिए तो कई बार 15-16 हज़ार का बिक जाता है, और ना बिकने के लिए 15-16 रुपये का भी नहीं बिकता है। तो इनकी भी यही है कि भी उम्मीद लगा के बैठते, और हम लोग भी उम्मीद लगा के जाते कि हमें कुछ सस्ता सा मिलेगा। ये भैया की वही रेडी लगा रखी है बैम्बू वाली, मैंने एक बार और कैप्चर किया। ये एक दो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे कपड़ों के, ये मेरे को बहुत सुंदर लगा था इसका जो कपड़ा है मुटे का, और ये भी एक डेकोरेट आइटम ही है। ये दीदी है ना वीडियो बनवाने के लिए बार्गिंग कर रही थी कि है तू तो झूठी है, इतने में दे रही है, इतने में कर रही है। तो हमने इनको बोला था, और देखो हाथ में जो मटकियाँ हैं वो हमने खरीद ली थी, तो बस इनके साथ ना थोड़ा सा मजाक वगैरह चल रहा है, तो इसलिए दीदी यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ बार्गिंग करी है। हम पीछे से इनको बोल रहे हैं कि 500 बोलो 500, तो वो उसी हिसाब से इनको बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इनके साथ मजाक चल रहा था। मुझे ये भी बहुत सुंदर लगे थे इनको लगाने में, ऐसे करने में। आगे आने के बाद ये भी बहुत अच्छे थे, इनमें मेटल का कुछ, जिसे हमारे यहाँ तो चोभे बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ और बोलते हैं, कील बोलते हैं, वो ठोकी हुई थी इनके अंदर। एक ये मिरर था, ये मैंने इनसे पूछा था कि ये मिरर कितने का, तो इन्होंने 1500-1600 ऐसा कुछ रेट बताया था। किसी और भैया कोई ख़रीद रहा था उससे भी ये दीदी बार्गिंग कर रही थी, कह रही थी आपको लेना नहीं है, इतने में तो पुलिस का खर्चा आ जाता है, आप ऐसे कर रहे हैं। फिर हम यहाँ से चल दिए थे, और अब आप सभी को बंजारा मार्केट से हम विदा ले रहे हैं। आप सभी को बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। ओके फ्रेंड्स, और